कलर्स, ये मैंने बैक काटा, बैक का मैंने शेंगिंग बताया आपको, और अब ये मैंने फ्रंट काटा, फ्रंट का मैंने ऊपर का जो सबसे फ्रंट पे होता है, यानी कि दो हिस्सों में फ्रंट कटता है, तो एक हिस्सा हमने काटा, वो उसकी मैंने आपको सारी मैंने जो है डायग्राम बताई कि किस तरह करना है ड्राइंग को, अगर वो कर लिया आपने। इसका बैक जो कटता है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप समझे कि मैंने फ्रंट क्या काटा था। फ्रंट का एक पल्ला, उसका नीचे वाला पल्ला दूसरा मैंने काटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए फ्रंट पल्ला हमने ये काटा था, इसमें हमने ये अलाउंस रखा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये अलाउंस है ये अलग। उसके बाद ये हमने इसका बैक काटा, ये दूसरा पल्ला काटा, इसमें देखें ये यहाँ से ये राउंड है ये, ठीक है, और ये इस तरह राउंड, ये यहाँ पे बटन्स आएंगे, ये बटन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये फ्रंट में ये बटन होल आएगा, यहाँ पे बटन्स आएंगे, तो ये इसका ये राउंड देखें, आप चेक करें ये राउंड हमने बिल्कुल सीधा कटेगा सारा, मगर ये इससे तकरीबन एक इंच बड़ा कटेगा, एक इंच के करीब ये हम, ये हमने यहाँ पे दिया है 3 इंचेस, और ये हमने दिया है 4 इंच इस निशान से, जो हमारे ये जो हमारा ये पलटेगा, तो इससे हमने ये निशान लिया, ये देखिए ये अंदर इसका बैग आता है, यहाँ से फिर एक लूप आएगी जो कि इसको कवर करती है, यहाँ से इसको, ये चीज़ भी लोग नहीं बताते हैं, मगर ये चीज़ देखें मैंने बताई आप इसको, इसका राउंड ये देखें आप चेक करें, ये इसका राउंड मैंने काटा है, और इसमें यहाँ पे एक इधर यहाँ पे एक टेकन डलेगी, ये देखिए इसका निशान में देखिए नज़र आ रहा होगा, ये जो टेकन होती है ये इस तरह यहाँ पे स्टिच होगी, ये इस तरह स्टिच होगी। ये क्यों स्टिच होती है कि ये इस पल्ले को जो नीचे वाला पल्ला है इसका, ये जो नीचे वाला पार्ट है फ्रंट का, इसको उठाती है, जब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही इसको ये टेकन डालेंगे तो ये इसको कवर करती है, ऐसे उठाती है इसको, इस चीज़ को, तो ये चीज़ डालना भी ज़रूरी है यहाँ पे। ये देखें इसका ये राउंड बना है, इस तरह ये राउंड के, ये जो हमारा एज है, जो हमारा ये है इसका, ये इससे 1.5 यानी कि 1.5 इंच हमने जो है इसको बड़ा कट करना है, और लेंथ ज़्यादा है तो मैंने इसको तकरीबन 14.5 इंच यानी 14.5 इंच में मैंने इसको गिराया है, ये यहीं से ऐसे राउंड हो जाएगा। ये देखिए राउंड इसका कटा हुआ है, राउंड कटा हुआ है, ये आपके बटन्स, बटन का पार्ट है, इसमें बटन्स आपके लगेंगे, और ये हमारा बटन होल होगा, ये निशान मैंने लगाया बटन होल्स के, आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ है। ये फ्रंट बैग हमारा कट गया, बैग हमने काट लिया, बैग की शेंगिंग मैंने आपको बता दी है कि बैग की शेंगिंग कैसे होगी, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये देखिए बैग की शेंगिंग की हुई है, ये शेप पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये जब स्टिच होगा तो ये इस चीज़ को कवर करेगी आपके, इसको आपकी बैग को कवर करेगी, ये जो यहाँ पे स्लांट आ रहा होता है, गड्ढा आ रहा होता है, इसको कवर करता है, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है, ये बैक शेंगिंग कहलाता है, ये चीज़ करना ज़रूरी है। इस चीज़ के बगैर जो है शेरवानी जो अगर बन रही है तो गलत बन रही है, तो शेरवानी का जो उसूल है वो ये कि बैक शेंगिंग होना ज़रूरी है, ये हर कोई नहीं जानता। मैंने यूट्यूब पर शेरवानी बहुत सारे लोग कट कर रहे हैं मगर वो ये चीज़ नहीं बता रहे, मगर मैंने आपको बताई है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, समझे, नहीं समझ में आए मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको दोबारा बैक शेंगिंग करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, जो हमारे बिगनर्स हैं जो काम सीख रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये हर कोई नहीं बता रहा मगर मैंने आपको बताया है, और ये मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब पर किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी, मैंने बताई है, तो इसको आप समझें, इसको सीखें, इसको करें। ये कि मेरा फ्रंट बैक कट गया है, मैं भी इसकी फ्रंट बैक की वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इसके स्लीव्स की मैंने मेथड आपको दिए हुए हैं, स्लीव्स की जो इसकी शेरवानी की स्लीव बिल्कुल कोट की तरह कटती है, तो उसी तरह आपने कट करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट इसकी शेरवानी की यानी 44 चेस्ट पे हमने कितनी स्लीव्स काटनी है उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करूँगा। अभी ये कि फ्रंट बैक मेरा इसका कट गया, आप इसको देखें, सीखें और समझें। व्यूवर्स, मुझे आपकी लाइक शेयर्स चाहिए, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे जो है वो व्यूवर्स चाहिए, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें, आगे शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, वो भी देखें जो इस काम को समझते हैं, और जो नहीं भी समझते वो समझें इसको, और दूसरों तक ये पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा आर्ट है कि अगर आप सीख जाते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा काम है, मेरे बहुत कस्टमर्स हैं, और काम के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं दूँ, और देने की कोशिश करता हूँ,
और ये भी मेरी कोशिश है कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी चीज़ बताऊँ और आसान आसान उसमें बताऊँ, ताकि समझने में आसानी हो, करने में आसानी हो। कोई चीज़ भी समझ में ना आ रही, वीडियो को बार बार देखें फिर भी समझ में ना आ रहा, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर उस पर जो है मैं आपको गाइड करूँगा। ये कि मेरे फ्रंट बैक की शेरवानी का हो गया है, इसकी मैं जो है स्लीव्स की जो है वो वीडियो 44 चेस्ट की, 45 46 चेस्ट की वीडियो की, उसकी स्लीव्स की जो है वो मैं अलग वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वो आप उसमें देखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।